आज हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं। कढ़ी हर घर में बनती है। आज हम आपको अपने तरीके से बनाए जाने वाली कढ़ी की रेसिपी देंगे। इस रेसिपी के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो हम आपको बता देते हैं। दही लिया है, 1 किलो दही है, और कोशिश करें कि थोड़ा खट्टा दही हो। प्याज लेंगे, 1 टमाटर, 1-2 हरी मिर्चें, धनिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, करी लीफ, नमक, थोड़ा सा आटा या बेसन, आप जो भी पसंद करें। हम आटा इस्तेमाल करेंगे, कसूरी मेथी, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया और जीरे को टोस्ट करके हमने ये पाउडर बनाया हुआ है, साबुत जीरा और राई के दाने, और कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। हमने एक पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालते हैं। कुकिंग ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को सौते करेंगे। जब तक प्याज रेडी होता है हम दही को बीट कर लेंगे इस विस्क की मदद से। आप ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं। और आटा जो आपको बताया था वो इसमें डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे इस विस्क की मदद से। आप फोक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ प्याज को भी चेक करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका प्याज एक साइड से जल जाए। इसमें चम्मच चलाएं और अब दोबारा दही की तरफ आ जाएं। दही को इसलिए हमने बीट किया है कि इसमें से अगर हम बीट नहीं करेंगे तो पानी और दही अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें अच्छी तरह आटे को भी बीट करेंगे ताकि ये एक बैटर सा बन जाए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डालें और मिक्स करें। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब दोबारा हम आते हैं प्याज की तरफ। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। सौते करें थोड़ा सा। कुकिंग ऑयल हमने थोड़ा लिया है क्योंकि हमने बाद में भी इसमें डालना है। अगर आप चाहें तो इसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी से बहुत अच्छा जायका आता है, बट हम लोग यहाँ पे फुल क्रीम दही इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें क्रीम बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा लिया है। तो अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। ये जो हमने ली थी हरी मिर्चें चॉप की हुई, ये डालेंगे। थोड़ा सा जीरा डालेंगे। हल्दी 1 टीस्पून ली थी डाल देंगे, और लाल मिर्च पाउडर 1/2 डालेंगे। मिक्स करें अच्छी तरह। थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाला भूनने के लिए। कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं और हमारा मसाला रेडी हो जाए। अब चेक करते हैं मसाला। व्यूअर्स, मसाला रेडी है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। फ्लेम मैंने थोड़ा सा लो कर लिया है, लो टू मीडियम कर लेते हैं। अब जो हमने ये दही लिया था उसमें आटा शामिल किया था वो डाल रहे हैं मसाले में।
अब आपको जितना पानी डालना है अपनी दही के हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। अगर आपकी दही ज़्यादा खट्टी है तो आप इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा कर दें। हमारी दही खट्टी है इसलिए हम इसमें पानी की मिकदार बढ़ा देंगे और फौरन अपना जो स्पैचुला है वो दही में चलाएं, वरना दही और पानी अलग अलग हो जाएंगे। अब मैं फ्लेम हाई पे कर रही हूँ। और लगातार चम्मच चलाते रहें आहिस्ता आहिस्ता। अब हम कढ़ी में टोस्ट किया हुआ धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डालेंगे। व्यूअर्स, हमने इसको पहले इसलिए नहीं डाला कि ये ऑलरेडी भुने हुए हैं। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें उबाल आ जाए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। व्यूअर्स, हमारी कढ़ी में उबाल आ गया है, आपको नज़र आ रहा है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को अपनी हथेली पे रखें और इसको यूं यूं थोड़ा सा इसको क्रश कर लें। कसूरी मेथी की बहुत खुशबू आ रही है कढ़ी में से। अगर आपके पास ताज़ा कसूरी मेथी है तो चंद पत्ते उसके नाइसली चॉप करके इसमें डाल सकते हैं। व्यूअर्स, अब आप अपनी कढ़ी को पकने दें, चम्मच यहाँ पे रख दें। आप यूं चम्मच रखेंगे तो आपकी कढ़ी उबलेगी मगर बाहर नहीं आएगी। तो हम कढ़ी के लिए अब पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। हमने पहले आपको पकौड़ों के इंग्रेडिएंट्स नहीं बताए थे ताकि मिक्सअप ना हो, तो अभी हम आपको बताते हैं। व्यूअर्स, पकौड़ों के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1/2 कप हमने बेसन लिया है, आप इसकी मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं, और 1 छोटा ऑनियन चॉप किया हुआ है। होल मसाले लिए हैं, नमक, कलौंजी, धनिया, साबुत धनिया है, और ज़ीरा और पेपरिका पाउडर। आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और पानी लेंगे बैटर बनाने के लिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बड़े बॉल में बेसन डालें और थोड़ा सा पानी डालें। इस विस्क की मदद से हम बैटर बनाएंगे। ज़्यादा पानी एकदम से ना डालें वरना आपका बैटर पतला हो जाएगा। अच्छी तरह मिक्स करें और जितनी भी इसमें गुठलियाँ हैं उनको ख़त्म कर दें, एक स्मूथ बैटर बनाएं। ये देखें हमारा बैटर तैयार है। और अब हम इसमें ये मसाले और नमक डालेंगे, मिक्स करें अच्छी तरह। ये घोल तैयार है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे चॉप की हुई, अगर आपको आलू पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं, हरा धनिया भी डाल सकते हैं। व्यूअर्स, अब हमारी कढ़ी तैयार है। इसको हम बहुत ही लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे और हम पकोड़े तैयार कर लेंगे। व्यूअर्स, एक पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, अब हम इसमें अपने पकोड़े तलेंगे और वहाँ पर हमारी जो कढ़ी है वो लो फ्लेम पे पक रही है। तो पकोड़ों का हमारा बैटर तैयार है, ऑयल को चेक करते हैं। थोड़ा सा और गर्म करेंगे ऑयल को।
आप अपने बैटर में थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि हम ये पकौड़े अपनी कढ़ी में डालने वाले हैं, तो उसमें हमारे जो पकौड़े होंगे वो नरम हो जाएंगे। अगर हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे, तो टूटने का भी चांस हो सकता है, इसलिए हम इसमें बेकिंग सोडा ना डालें तो बेहतर है। तो व्यूअर्स, हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है। एक चम्मच की मदद से हम इसमें पकौड़े बनाएंगे। कढ़ी पकौड़े आप रमज़ान में भी बना सकते हैं और सहरी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पकौड़ों को पलट देंगे और अपने फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अगर आपको कलौंजी का जायका पसंद नहीं है तो आप इसमें ना डालें, मगर कलौंजी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बहुत से फ़वाद हैं और वैसे भी दिन में 7 दाने कलौंजी के खाना सुन्नत है और 22 से शिफा है। थोड़ी देर उसको इसी साइड पे पकाएंगे। ये जो सबसे पहले हमने बेसन डाला था वो पकौड़ा है। व्यूअर्स, हमने ऑयल बहुत थोड़ा लिया है क्योंकि जब ऑयल बार बार गर्म होता है तो उससे वो मुजर सेहत बन जाता है, तो इसलिए आप ऑयल की थोड़ी मिकदार लें और इसको एक दो बार में ख़त्म करें। अब हमारे ये पकोड़े अच्छी तरह से पक चुके हैं और इसको हम बाहर निकालेंगे और इस पेपर के ऊपर डालेंगे ताकि जो भी एक्सेस ऑयल हो वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और अब हम जो हमारा बेसन का बैटर बाकी बचा था उसके पकोड़े बनाएंगे। व्यूअर्स, हमारे पकोड़े तल के तैयार हैं और अब हम अपनी कढ़ी के लिए तड़का बनाएंगे। व्यूअर्स, हमारी कढ़ी पक के तैयार हो गई है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत क्रीमी कढ़ी तैयार है। व्यूअर्स, तड़के के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मैंने सूखी लाल मिर्च ली हैं 5 दाने, आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। और ये करी लीफ हैं, ये राई के दाने हैं, लाल मिर्च पाउडर आपको बताया था पहले भी इसमें से हमने इस्तेमाल किया है। तो अब आइए हम शुरू करते हैं। गरम तेल में सूखी लाल मिर्च डालेंगे, राई के दाने डालेंगे, कड़ी पत्ते लेंगे, थोड़ा सा सौते करेंगे। राई के दाने कड़कड़ाने लगे हैं, अब हम इसमें ये लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और तुरंत इसको अपनी कड़ी के ऊपर डाल देंगे। व्यूअर्स, हमारी बहुत मज़ेदार कढ़ी तैयार है। चूँकि अब आज हमने आपको कढ़ी पकौड़े की रेसिपी दी है तो अब हम इसमें पकौड़े भी डाल देंगे। बहुत कलरफुल कढ़ी है और बहुत ही इसका अरोमा हमारी कढ़ी का अरोमा हमारे पूरे किचन में फैला हुआ है। जब आप बनाएंगे तो तब आपको अंदाज़ा होगा। व्यूअर्स, अपनी कढ़ी को हरे धनिए के पत्तों के साथ गार्निश कीजिए और इसका मज़ा लीजिए चावलों के साथ या चपाती के साथ। अगर आपको हमारी आज की कढ़ी पकौड़े की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।